धन्यते मुनिवरारे जे जिन आना पाड़े। मुनि का दूसरा गुण है नम्रता, विनय, झुकना, अकड़ नहीं रहना, अभिमान नहीं करना। शासन प्रभावक पूज्य चंद्रशेखर विजय जी मारा साहेब गुजरात के गढ़ नाम के गांव में रुके हुए थे। गांव के कुछ श्रावकों ने विनंती की कि आपके नूतन दीक्षित मुनि जयहंस विजय जी हमारे संसारी रिश्तेदार है, तो हमारे घर पर पगलिया करने भेजिए। पूज्य गुरुदेव श्री को यह सब कम पसंद था। नए साधु बड़ी उम्र वाले थे, तकरीबन 60 से भी ऊपर। स्वजनों के राग में कोई भी मुनि फंस जाए यह पूज्य गुरुदेव श्री को तनिक भी पसंद नहीं था, लेकिन श्रावकों की बात उनको माननी पड़ी। उन्होंने अपने प्रभावक शिष्य जिन सुंदर मारा साहेब को बुलाकर सूचना दी कि तुम यह जयहंस मारा साहेब को पगलिया करवा कर झड़प से अगले गांव आ जाना। ध्यान रखना, उजाला हो तब तक आ जाना। और पूज्य गुरुदेव श्री ने विहार कर लिया। पूज्य गुरुदेव श्री की यह भावना रहती कि अंधेरा हो जाने से पहले अगले गांव पहुंच जाना ताकि दोष कम लगे। सूर्यास्त के बाद भी लगभग आधे घंटे तक उजाला रहता है, लेकिन उस दिन सूर्यास्त को 1.5 घंटा हो गया, फिर भी मुनि जिन सुंदर मारा साहेब नहीं पहुंचे। जब बाकी के 20 साधु का आधा प्रतिक्रमण हो चुका तब वे पहुंचे। पूज्य गुरुदेव श्री ने सबके सामने उनको चिल्लाया कि तुझे भान है कि नहीं, जयहंस तो नया साधु है, तुझे ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तेरे में अकल ही नहीं है। 20 साधुओं को लगा कि हजारों युवाओं की शिविर करने वाले प्रभावक पूज्य जिन सुंदर मारा साहेब को हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना चिल्लाया, बिना अकल वाला कहा, उनको कितना दुख हुआ होगा। दूसरे दिन सुबह विहार में पूज्य जिन सुंदर मारा साहेब ने साधुओं को प्रसन्नता के साथ कहा कि कल तो मेरा सोने का दिन था कि मुझे मेरे गुरुदेव ने जोर से चिल्लाया, सबके सामने चिल्लाया, मेरे ऊपर गुरुमा का कितना विश्वास होगा, वो मुझे कल जानने को मिला, मैं तो धन्य हो गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। हकीकत यह थी कि श्रावक लोग जिद करके जयहंस मारा साहेब को बहुत घरों में ले गए थे, इसीलिए ही देरी हो गई थी। ऐसा कोई विचार ही नहीं आया। पालनपुर पहुंचकर पूज्य गुरुदेव श्री को उन्होंने कहा, मुझे ऐसे ही चिल्लाना, थप्पड़ भी मारना, अपमान भी करना, सबके सामने मुझे हल्का बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। उनका विनय, उनकी नम्रता देखकर पूज्य गुरुदेव श्री की आंखें छलक उठी। सबको कहा, जिन सुंदर जैसा नम्र विनयवान बनना, समर्पित बनना। कटु कवचन सुनी गुरु ना, हाये हरशन मातो। कटु कवचन सुनी गुरु ना, हाये हरशन मातो। कहो कहो मुनिवरा।
पूज्य पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब उस समय पर महान शासन प्रभावक बन चुके थे। एक दिन उनके ऊपर उनके विद्या गुरु अजैन पंडित जी दुर्गानाथ जी का एक लेटर आया। उसमें लिखा था कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, उम्र के कारण अभी मैं किसी को भी पढ़ा नहीं सकता, इसीलिए पैसा कमा नहीं सकता, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, पेट भरना, दवाई का खर्चा, यह सब करने की मेरी अभी ताकत भी नहीं है। बहुत सोचने के बाद आपकी याद आई, जब आप मेरे पास पढ़ते थे तब आपका उदार स्वभाव, विद्या गुरु के प्रति बहुमान भाव मैंने अनुभव किया था। आज आपके पास हाथ फैला रहा हूँ, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। वैसे तो पढ़ते वक्त मैंने तनख्वाह ली ही थी, इसीलिए आपसे मांगने का हक भी नहीं होता, फिर भी लाचार हूँ। यह पढ़कर पूज्य गुरुदेव श्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तुरंत लेटर लिखा कि मैंने अभी तक आपकी संभाल नहीं की, वो मेरा अपराध, क्षमा करो। अब आपके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, मुझे मेरे विद्या गुरु की अमूल्य सेवा का मौका मिला है, आपने मुझे दिया, वो आपका बहुत बड़ा उपकार है। अपने विद्या गुरु को उनकी जिंदगी के अंतिम सांस तक पूज्य गुरुदेव श्री ने बराबर संभाला, तनिक भी कमी नहीं आने दी। स्कूल के शिक्षक हो, पाठशाला के शिक्षक हो, पंडित जी हो या कोई भी हो, जिन्होंने ज्ञान दिया उनकी पूरी सेवा अपनी शक्ति और अपनी मर्यादा के अनुसार मुनिवर करते ही है। यदि कोई मुनि ही विद्या गुरु हो तो उनके लिए वे सब कुछ करने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, शायद अपनी जान भी। पूज्य गुरुदेव श्री जब संसार में थे तब रात को घर में ही पंडित जी पढ़ाने आते थे। सुबह से लेकर शाम तक बंबई में अलग अलग जगह पर पाठ देकर जब रात को 8 बजे पूज्य गुरुदेव के घर पर आते तब तो अत्यंत थक जाते। पूज्य गुरुदेव श्री अपने पाठ की परवाह नहीं करते, लेकिन रोज पंडित जी को केसर बादाम वाला गरम दूध और गरम नाश्ता करवाते, बड़ी गद्दी बिछा देते। यह सब चीजें सैलरी के रूप में नहीं थी, एक्स्ट्रा थी। पंडित जी नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लेते, फिर वो इतने खुश हो जाते कि घड़ी के सामने देखे बिना ही पढ़ाते ही रहते। ज्ञानदाता गुरु का कितना उत्कृष्ट विनय। ज्ञान तणो अक्षर पण जेणे आप्यो ते गुरुवरनी, आप्यो ते गुरुवरनी, योग त्रिक थिया वर जीव भक्ति करता भव तरणी, भक्ति करता भव तरणी। धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा रे जिन आना पाले, धन्य ते मुनिवरा रे जे जिन आना पाले। हम सबको हमारे दुश्मनों पर, विरोधियों पर क्रोध आता है क्योंकि उन्होंने हमारा काम बिगाड़ा है। सही बात है, दुश्मन के ऊपर क्रोध आना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो क्रोध ही है। कितना बिगाड़ा उसने हमारा। क्रोध हमको खुद को ही परेशान कर देता है, हमारा मन डिस्टर्ब रहता है। क्रोध के कारण हमारा परिवार, हमारे मित्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जिस पर क्रोध करते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्रोध तो दुर्गति का कारण है, इसीलिए मुनि तो क्रोध के ऊपर ही भयानक क्रोधी बनते हैं। मुनियों ने अपने क्रोध को खत्म करने के लिए कैसी कैसी प्रतिज्ञा ली वो तो जानो। एक मुनि को पाठ देते वक्त गुस्सा आ जाता था तो उन्होंने नियम लिया, जिस दिन साधुओं को पाठ देते वक्त क्रोध आए उसके दूसरे दिन उपवास करना। चंड रुद्राचार्य क्रोध से बचने के लिए ही अपने शिष्य से दूर ही बैठते थे।
ताकि उनकी छोटी मोटी गलतियां देखकर क्रोध न आ जाए। एक मुनि ने प्रतिज्ञा की थी कि जिसके ऊपर मुझे क्रोध आएगा उसके ही चरणों का मस्तक से स्पर्श करके मैं क्षमा मांगूंगा, अभिमान नहीं रखूंगा। अपने अपराध का स्वीकार करने के लिए कितनी नम्रता चाहिए ना। उपकारी पर क्रोधी बनता, अज्ञानी बहु दिसता। उपकारी पर क्रोधी बनता, अज्ञानी बहु दिसता। सर्वाधम अपराधी क्रोध पर, सर्वाधम अपराधी क्रोध पर, महाक्रोधी मुनि बनता, महाक्रोधी मुनि बनता। धन्यते 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 मुनि वरारे, धन्यते 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 मुनि वरारे, मुनि वरारे, मुनि वरारे। धन्यते धन्यते वरारे, धन्यते धन्यते मुनि वरारे। मुनि ने मन में ठान लिया है, कोई भी प्रसंग बने मुझे इतना ही देखना है कि इसमें मेरी गलती कितनी और मुझे वो सुधारनी है। दूसरों की गलती हो तो भी मुझे नहीं देखनी है, मुझे दूसरों के जो भी गुण हो वो ही देखना है। कुरुगुरु मुनि को याद करो, उनको बेहद भूख लगती थी इसीलिए खाते थे, राग से नहीं, वो सिर्फ चावल ही खाते थे, उसमें घी सब्जी दाल कुछ भी नहीं लेते थे, गुरु की सहमति लेकर ही खाते थे, पूछे बिना सहमति बिना नहीं, तो उनका दोष क्या। ऐसे देखे तो कुछ भी नहीं, उनके सामने वो चार तपस्वी साधुओं की गलती का तो कोई हिसाब ही नहीं। वो चारों ने कुरुगुरु मुनि को धिक्कारा, पापी कहा, नरक में जाने वाला कहा। एक साधु के साथ ऐसा व्यवहार अत्यंत खराब ही माना जाता है। उन्होंने हद तो तब की जब कुरुगुरु के पात्रे में चावल के अंदर थूका। इतना नीच काम तो कोई न करे, कितना भी क्रोध आए तो भी हम किसी के खाने में थूकने का काम नहीं करेंगे। फिर भी कुरुगुरु की नम्रता तो देखो, वह अपना ही दोष देख रहे हैं। मैं खाउधरा हूँ, तपस्वियों के लिए फरियाद तो दूर की बात, उनके ऊपर मन में भी दुर्भाव नहीं आए। अरे, उनके थूक को घी मानकर चावल में मिला दिया और मस्ती से वापर लिया। उनको प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। मृगावती जी को याद करो, गुरुनी चंदन बाला ने उनको ठपका दिया कि आप तो खानदान हो, आप जैसी साध्वी सूर्यास्त के बाद अंधेरे में उपाश्रय में आए वो अच्छा नहीं है। मृगावती जी चाहते तो सफाई दे सकते थे कि समवसरण में सूर्य चंद्र इंद्र अपने विमान के साथ आए थे, इसीलिए वहाँ सूर्यास्त का समय हो जाने के बावजूद भी दिन के जितना प्रकाश था, तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। जैसे ही वो गए तुरंत अंधेरा हो गया, तो मैं तुरंत उपाश्रय आ गई। मृगावती जी कह सकते थे कि गुरुजी, आप जब निकले तो मुझे भी बोल दिया होता, मैं भी आ ही जाती, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई सफाई नहीं दी। यह भी नहीं सोचा कि चंदन बाला जी अभी भले मेरे गुरुजी है, लेकिन असल में तो वो मेरी बहन की लड़की है, भांजी है, और उन्होंने दीक्षा से पहले जब प्रभु को पारना करवाया था, उसके बाद मैंने ही मेरे महल में मेरी बेटी की तरह उन्हें पाला पोषा है। आज वो मुझे ही सुना रहे हैं, मैं उनकी मासी, उनकी माँ जैसी, उनकी उपकारी। मृगावती जी ने मन में बिल्कुल अहंकार नहीं लाया। उन्होंने एक ही विचार किया,
मेरी ही गलती है, मुझे समय का ध्यान रखना चाहिए। बाकी के सब साध्वी जी में से किसी से भी यह गलती नहीं हुई। सब साध्वी जी सूर्यास्त से पहले गुरु जी के साथ ही तो उपाश्रय वापस आ गए थे। भूल मेरी ही है, मेरे कारण गुरु जी को दुखी होना पड़ा और यह भावधारा में मृगावती जी को केवल ज्ञान हो गया। ऐसी नम्रता, दोषों का स्वीकार क्या हमारे जीवन में हम ला पाएंगे? यह हुआ मुनि का दूसरा गुण, नम्रता। सर्व प्रसंगे निज दोषो पर गुण नु दर्शन करता, पर गुण नु दर्शन करता। पुरगड़ मृगावती समते वेगे मुक्ति ने वरता, ते वेगे मुक्ति ने वरता। धन्यति मुनि वरा, धन्यति मुनि वरा, धन्यति मुनि वरा, धन्यति मुनि वरा। ओ धन्यति मुनि वरा रे, जे जिन आणा पाड़े। धन्यते मुनि वरारे, जी जिन आणा पा।